अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ एसंदी आज आपके लिए आलू कीमा मटर की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़ेदार किस्म का ये बनता है, चटपटा सा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप इसी एक रेसिपी से दो तरह की रेसिपीज़ भी बना सकते हैं, यानी आप सिर्फ कीमा आलू भी बना सकते हैं और कीमा आलू के बजाय कीमा मटर भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें। और कीमा आलू मटर की तो रेसिपी ये है ही है, तो आप चाहें तो दोनों में से कोई एक चीज़ हटा सकते हैं, जो आप क्या पसंद की जाती है। ये 3-in-1 एक तरह से रेसिपी है, तो आप इसको बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आलू कीमा मटर की रेसिपी हम बना रहे हैं और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हमने 250 ग्राम कीमा लिया है। 250 ग्राम कीमा जो है वो दो बंदों के लिए इनफ होता है। आप के जितने अफराद हों आप उस हिसाब से उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ का हमने आलू लिया है, एक कप मटर हैं और ये फ्रोज़न मटर हैं। फ्रोज़न मटर और फ्रेश मटर में थोड़ी सी कुकिंग टाइमिंग्स का फ़र्क होता है, इसीलिए मैं आपको मेंशन भी कर रही हूँ। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ का जो है ये टमाटर है, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, हरा धनिया हमने थोड़ा सा लिया है, दो हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने तोड़ के दो दो पीस कर लिया, ये काफ़ी लंबी हरी मिर्चें थी मेरे पास। चौथाई कप जो है ये तेल है, 1 teaspoon भर कर लहसुन अदरक है, 2 tablespoon दही है, 5 साबुत लाल मिर्च हैं, ये दालचीनी है। अगर देख लीजिए इतनी बड़ी बड़े पीस हैं, आप अपने हिसाब से इसको, आपके पास जैसे पीस हों आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा 2 बड़ी इलायची हैं। पिसे मसालों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नमक है, और आपको लग रहा होगा कि ये पिंक पिंक सा क्यों है, ये एक्चुअली जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे यहाँ थोड़ा सा हेल्थ की वजह से हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च है, 1/2 teaspoon हल्दी है, 1 चम्मच भर कर ये धनिया पाउडर है, 1 teaspoon लेवल्ड जो है गरम मसाला है, और 1 teaspoon लेवल्ड जो है ये ज़ीरा पाउडर है। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये भी बता दिया है मैंने स्टार्टिंग में कि आप आलू सिर्फ डाल सकते हैं कीमे में, और चाहें तो मटर भी सिर्फ डाल सकते हैं, यानी आप इस एक डिश से दो तरह की चीज़ें बना सकते हैं। कीमा आलू भी बना सकते हैं और कीमा मटर भी बना सकते हैं, और तीनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ। जी नाज़रीन, अब हम कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसमें तेल डाल दिया है पैन में, और सबसे पहले हम इसमें लाल मिर्चें फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए मिर्चें फूल गई हैं, और इसके अलावा इसमें से एक स्मेल आने लगी है, तो मैं इस वक्त चूल्हा बंद कर दूंगी और ये मैं बाहर निकाल लूँगी। और अब मैं इसमें दालचीनी और बड़ी इलायची डालूँगी, तेल हमारा गर्म ही था, और मैं ये प्याज जो हमने मीडियम साइज़ की, बहुत मोटी भी नहीं बहुत बारीक भी नहीं, मीडियम काटी हुई है, अब मैं इसको फास्ट फायरिंग का गोल्डन ब्राउन सा करना है, जैसे कि हमको बहुत लेकिन काली नहीं करनी। जी नाज़रीन, ये देखिए प्याज हमारी थोड़ी गोल्डन सी हो गई है, अब मैं इसमें लहसुन अदरक डाल देती हूँ, और हम इसमें थोड़ा सा, हमारी आज जो है वो मीडियम टू लो थी, और अब मैंने इसको स्लो कर दिया है। लहसुन अदरक पकाने के बाद हम इसमें सबसे पहले लहसुन कीमा डालेंगे, और अब हम कीमे का जो कलर है वो चेंज करेंगे। जी नाज़रीन, देखें कीमे का बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें जो सूखे मसाले थे ये सब शामिल करेंगे, जो
जो मिर्चें हमने तल के और हाथ से तोड़ ली थी, इसमें तलने के बाद बहुत अच्छी सी स्मेल आ जाती है। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे एक फ्लेवर निकलेगा इसका। ये हमने मसाले डाल के थोड़ा सा पानी भी डाला और इसे मिक्स किया। अब हम इसमें ये टमाटर डाल दें। टमाटर डाल के थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमने थोड़ा सा पानी भी इसमें डाला है और तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी डाला है। और ये दही भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, 2 टेबल स्पून दही लिया है हमने। ओके, असल में हमें इस पर पानी की ज़रूरत है क्योंकि हमें टमाटर गलाने हैं थोड़े से, तो इसलिए मैंने इसमें कटोरी में ही, ताकि कटोरी भी साफ़ हो जाए। और हम जो है इसको अब है इसे हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रखेंगे ताकि हमारे टमाटर नरम पड़ जाए। मीडियम टू लो आँच पे है तो हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रखते हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर बिल्कुल गल गए हैं और अभी इसमें पानी मौजूद है। हम इसी में अब अपने आलू डाल देंगे। आलू आप पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आप ये जैसे अभी हम टमाटरों को दबा दबा के इसका बिल्कुल पेस्ट सा बना रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आलू जो है वो बाद में डाले जाते हैं। ठीक, अब हम आलू, मैंने आलूओं को पानी में भिगो दिया था, आपको पता है कटे हुए आलूओं को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम इसको आलू डाल के और इतना पानी कि हम इसको, क्योंकि आलू हमें अच्छे गलाने हैं। अगर आपके ना मटर जैसे मैंने शुरू में कहा था फ्रेश हो, तो आप फिर उसको इस पॉइंट पे ही आलूओं के साथ शामिल कर दीजिए, लेकिन मेरे क्योंकि फ्रोज़न हैं। जी नाज़रीन, तकरीबन 20 मिनट गुजर गए, मैंने आपको 15 मिनट का टाइम दिया था, 15 मिनट पे जब मैंने चेक किया तो मेरे आलू उस वक्त तक नहीं गले थे। आप देखें, ये आप आलू को ज़रा सा करें तो ये, और ये इतने गले हुए हैं कि बिल्कुल आसानी से टूट रहे हैं। इसको बिल्कुल वो नहीं करना, हमें कोशिश नहीं करनी है उसके लिए। तो ये हमारे आलू तैयार हो गए हैं। इस पॉइंट पर आपका आलू क़ीमा तैयार है। अगर आप इसमें मटर डालना नहीं चाहते तो इस वक्त फिर आप हरा धनिया पुदीना डालें और इसको दम पे रख दें, लेकिन हम इसमें अभी मटर डाल रहे हैं क्या। मेरे यहाँ मटर बहुत शौक़ से खाए जाते हैं और आलू इतने नहीं खाए जाते, तो इसलिए मैं इसमें मटर भी शामिल कर रही हूँ। और अगर आप सिर्फ आलू के बजाय मटर और पीमा बनाना चाहते हैं तो पीमा अच्छी तरह भून कर, जिस वक्त हमने आलू डाले थे, आप अगर फ्रेश मटर हैं तो उस वक्त डाल दें, नहीं तो आप इसमें जो है इसी तरह फ्रोज़न मटर को जब पूरा कीमा भुन जाए तो उस वक्त डालें और 5-10 मिनट उसे दम देंगे तो वो तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए, हमने इस डाल दिया पानी जो थोड़ा बहुत है, उसी पानी के साथ हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे 5 मिनट और फिर उसके बाद हम हल्का सा इसे भूनेंगे। तो अब मैं इसे 5 मिनट के लिए फिर कवर कर रही हूँ। ये देखिए नाज़रीन, 5 मिनट गुजर गए हैं और हमारे मटर भी रेडी हो गए हैं, क्योंकि वैसे ही फ्रोज़न थे। मैं आपको चेक करा देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल आराम से, ये देखिए बिल्कुल आराम से हमारे मटर टूट गए। अब इस उस पर आप अपना इसका नमक मिर्च चख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो। अब इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। वैसे तो हम पीमा भून चुके हैं, जिस वक्त हमने इसका कलर चेंज किया था उस वक्त हमने इसको अच्छा खासा भून ही लिया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको अब तमाम मसालों के साथ, ये लीजिए नाज़रीन, हमने पीमा बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। हमें जबकि ड्राई फॉर्म में नहीं रखना था, लेकिन फिर भी इसमें जब हम भूनते हैं तो जितना पानी इसका जल जाता है वो सब इसकी स्मेल वगैरह सब चीज़ें निकाल देता है। तो ये अब तैयार हो गया। अब हमें जितना रिक्वायर्ड इसमें पानी है, तकरीबन मैंने 1/4 कप पानी डाला है इसमें। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए
पाँच भी नहीं, 2-3 मिनट के लिए बेसिकली इसको ढक के रखूँगी ताकि इसका ऑयल वगैरह सब बाहर आ जाए। ले लीजिए नासिम, मज़ेदार आलू कीमा मटर तैयार है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ जो मैं शुरू में कही थी। ये देखिए मेरे आलू जो हैं वो जो साइडों की शार्पनेस थी कटिंग की वो सब सॉफ्ट हो गई है, तो मुझे ऐसे ही आलू चाहिए थे। अब इस वक्त मैं ये हरी मिर्चें और हरा धनिया इसमें शामिल कर दूँगी। लीजिए नाज़रीन, मज़ेदार आलू कीमा मटर तैयार है। आप इसको इंजॉय करें चपाती के साथ, चाहे चावल के साथ या नान के साथ, तंदूरी रोटी जो होती है उसके साथ खाएं। हर तरह से ये बहुत मज़ेदार है। हाँ, एक चीज़ जो मैं बार बार आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अब फिर दोबारा रिपीट करें कि अगर ये बहुत चटपटा सा कीमा है, अगर आपके यहाँ इतनी मिर्चें नहीं खाई जाती तो प्लीज़ आप साबुत लाल मिर्च की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स कीजिए अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, बतानी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।